हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले एवियन क्रीम के बारे में। बहुत से लोग इसे बिना इन्फॉर्मेशन के यूज कर रहे हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। सो आज के वीडियो में हम इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं आपके साथ। इसके शेयर करने वाली हूँ कि ये कौन सी स्किन वालों के लिए बेस्ट है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट है, एंड इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एवियन क्रीम के बारे में। तो ये एक मॉइस्चराइजर क्रीम है, एक फेस क्रीम की तरह आप इसे यूज ना कीजिए, आप इसे एक मॉइस्चराइजर क्रीम की तरह यूज कीजिए। सेकेंडली, ये ऑल स्किन टाइप नहीं है, तो अगर आप इसे परचेज करते हैं तो ये आपको फार्मेसी सी शॉप से मिलेगी, बिकॉज ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके स्किन पर डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, या फिर स्किन पर सनबर्न के कारण रेडनेस हो जाती है, इचिक हो जाती है, या फिर जिनकी स्किन अनइवन हो चुकी है। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए बनाई गई है। अगर आप इसे एज ए फेयरनेस क्रीम के तौर पर यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी फेयर नहीं करने वाली है, ना ही ये एक स्किन वाइटनिंग क्रीम है। अगर बात करें तो इसका प्राइस की, तो ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है मेडिकल शॉप से, या ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकते हैं। 20 ग्राम की क्रीम का जो प्राइस है वो आपको 70 to 80 rupees में मिल जाएगा, एंड अगर आप इसकी 50 ग्राम की पैकेजिंग परचेज करते हैं तो वो आपको 150 to 170 rupees में आराम से मिल जाएगी। अगर बात करें प्राइस, तो काफी अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले गए हैं, ये उन लोगों के लिए ही बनाई गई है जिनकी स्किन पर कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ऑल स्किन टाइप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डाला गया है एलोवेरा जेल और इसके अंदर विटामिन ई एक्सट्रैक्ट डाला गया है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए स्किन पर ही काम करती है जिनकी स्किन पर प्रॉब्लम्स होती है, तो सभी स्किन वालों के लिए नहीं है। तो अगर हम बात करें, ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो ये आपकी स्किन पर एक्ने कर सकती है, आपकी स्किन पर इचिंग कर सकती है। तो ऑयली स्किन के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सेकंड, ये अगर आप इसे समर्स में यूज करते हैं तो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी दे सकती है एंड चिपचिपा बना सकती है, तो आप इसे विंटर में या मिक्स वेदर में ही से यूज कर सकते हैं। अगर इसके बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो ये आपकी स्किन पर अगर डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, तो ये उसको लाइटन करने का काम करती है। अगर आपकी स्किन अनइवन है तो ये आपकी स्किन को इवन टोन बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है, स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देती है, बट व्हाइटनिंग इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं देती है। कुछ लोग इसे व्हाइटनिंग इफेक्ट के तौर पर यूज करते हैं एज ए फेयरनेस क्रीम, तो ये फेयर तो बिल्कुल भी नहीं बनाती। आपकी स्किन का जो कलर है वो सेम वैसे ही रहने वाला है। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट, पैचेस या इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये उसको सिर्फ लाइटन करने का काम करेगी। अगर बात करें तो इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है। सबसे पहले तो आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक फेस टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप नहीं है और एक मेडिकेटेड क्रीम है, तो ये सभी की स्किन पर सूट नहीं करती। जिनकी स्किन पर सूट कर जाती है तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट दिखाती है, लेकिन जिनकी स्किन पर सूट नहीं करती है, उनके स्किन पर पिंपल होने लग जाते हैं, एक्ने होने लग जाते हैं, या फिर स्किन पर इचिंग होने लग जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये आप इसे यूज करने से पहले एक फेस टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। फेस टेस्ट करने के बाद अगर आपकी स्किन पर ये सूट कर जाती है तो ही आप इसे कंटिन्यूसली इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्टिंग में इसे आप एज ए नाइट क्रीम यूज कीजिएगा। रात को सोने से पहले फेस वॉश करने के बाद आप इसका थोड़ा सा अमाउंट लेके फेस पे लगा सकते हैं। जब ये आपकी स्किन पर अच्छे से 8-10 दिन काम करने लग जाए तो आप इसे दिन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दिन में आपको सनस्क्रीन जरूर लगानी है। विदाउट सनस्क्रीन आपको इसके कोई भी असर नहीं दिखेंगे। तो सेकेंडली, अगर बात की जाए इसके साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट इसके यही है कि अगर आपको ये सूट नहीं करती तो ये स्किन पर एक्ने दे सकती है, इचिंग कर सकती है, या फिर स्वेलिंग कर सकती है। और साथ ही साथ अगर बात करूं इसके टेक्सचर की, तो इसका टेक्सचर काफी ज्यादा लाइट वेट है और बहुत ही जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बट ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत ही ज्यादा ऑयली कर देता है। तो ये सिर्फ ड्राई एंड नॉर्मल स्किन वालों के लिए है, ऑयली मोर देन ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप इसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज बी अवेयर, आपको इसे इस्तेमाल करने से पहले एक फेस टेस्ट करना जरूर बनता है, अदरवाइज आपको इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।